एक व्यक्ति जो किसी के साथ बुरा नहीं करता, जानबूझ के किसी को दुख नहीं पहुंचाता, जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करता है, अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को दान देता है, पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ इत्यादि भी करता है। लेकिन जब ऐसी व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी, बड़ी दुर्घटना, अन्याय या कुछ गलत होता है तो लोगों के मन में सिर्फ एक ही प्रश्न उठता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो आज हम इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी के माध्यम से। गौतम बुद्ध के समय में उनका एक अनुयायी हुआ करता था जिसका नाम था महाकाल। महाकाल सच में एक बहुत ही अच्छा और धार्मिक व्यक्ति था। वह लोगों की मदद करता, गरीबों को दान देता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता और बुद्ध द्वारा बताए गए पंच शीलों का पालन करता। शीलों का पालन अर्थात हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशा नहीं करना। इसके साथ ही वह बुद्ध द्वारा बताए गए ध्यान और साधना का भी अभ्यास करता। वह हर पूर्णिमा और अमावस्या को बौद्ध आश्रम में होने वाली पोषक तीर्थ लेता और पूरी रात बुद्ध के प्रवचन सुनता। ऐसे ही अमावस्या के दिन उसने उपवास किया और रात को बुद्ध के प्रवचन सुनने लगा। भोर सवेरे जब बुद्ध के प्रवचन समाप्त हुए, आश्रम से निकलकर वह पास के तालाब में नहाने के लिए चला गया। उसी रात उस गांव में कुछ चोर एक घर में चोरी करने के लिए घुसे हुए थे। जब वह चोरी करके भाग रहे थे तो गलती से एक चोर का पैर बर्तनों से टकरा गया और बर्तनों की आवाज से घर के लोग जाग गए। चारों ओर हल्ला मच गया कि गांव में चोर घुसे हैं। मोहल्ले भर के लोगों ने चोरों का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो चोर गहने जेवरात की पोटली लेकर भागते रहे, लेकिन जब उन्हें महसूस हो गया यह बचना संभव नहीं है, पकड़े जाएंगे, तो तालाब के पास से जाते हुए चोरों ने सारे गहने जेवरात महाकाल के कपड़ों के पास फेंक दिए और वहां से भाग गए। जब लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चोरी का सारा सामान तो इस व्यक्ति के कपड़ों के पास पड़ा हुआ है। सभी लोगों ने महाकाल को ही चोर समझ लिया और तालाब से बाहर निकालकर उसे मारना शुरू कर दिया। वह कहता रहा कि मैं चोर रही हूँ, मैं तो रात भर प्रवचन सुनकर आया हूँ और यहाँ सिर्फ स्नान कर रहा था, मुझे नहीं पता यह चोरी का सामान यहाँ कैसे आ गया। लेकिन भेड़ ने उसकी एक ना सुनी और यह कहते हुए और मारने लगे कि अच्छा, चोरी करने के बाद अपना अटक कर रहे हो कि मैं अच्छा आदमी हूँ, प्रवचन सुनकर आ रहा हूँ। गुस्साई भेड़ ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई और उस मृत महाकाल के शरीर को वहीं छोड़कर लोग अपने अपने घर चले गए। सुबह जब आश्रम के कुछ शिष्य तालाब में पानी लेने के लिए आए तो उन्होंने महाकाल के मृत शरीर को तालाब के पास पड़ा देखा। पूछने पर पता चला कि चोरी के आरोप में लोगों ने महाकाल को पीट पीट कर मार दिया। शिष्यों ने बुद्ध के पास जाकर यह दुखद खबर सुनाई कि बेचारे उदासीन महाकाल को लोगों ने मार दिया है, उस गलती की सजा मिली जो उसने की भी नहीं थी। बुद्ध शिष्यों के द्वारा की गई अलग अलग बातों को बस ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने बुद्ध से पूछ लिया, बुद्ध ये बात तो आप भी जानते हैं कि महाकाल कितना अच्छा इंसान था, उसने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर उसके साथ इतना गलत क्यों हुआ? बुद्ध ने कहा, महाकाल इस जन्म में तो अच्छा था, लेकिन आज जो भी उसके साथ हुआ या उसी के कर्मों का फल है जो उसने पूर्व जन्म किए थे। अपने पिछले जन्म में महाकाल वाराणसी के राजा एवं एक राज्य अधिकारी था। वाराणसी के पास एक बड़ा सा व्यवसायी गाँव था। यहाँ पर पहुंचने के लिए एक जंगल को पार करना पड़ता, लेकिन उस जंगल में कुछ लुटेरे रहते थे जो कि वहां से गुजरने वाले राहगीर और छोटे व्यापारियों के सामानों को लूट लिया करते थे। व्यापारियों ने वाराणसी राजा से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई तो वाराणसी के राजा ने अपने उस राज्य अधिकारी को कुछ सैनिकों के साथ व्यापारियों से कुछ धन लेकर उन्हें जंगल पार कराने के काम पर नियुक्त कर दिया। राज्य अधिकारी महाकाल भी अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहा था। वह लोगों से कुछ धन लेता और अपने सैनिक भेजकर उसे सुरक्षित जगह पर पार करवा देता। एक संपत्ति समय जोरा अपने छोटी सी बैलगाड़ी में बैठकर राजा अधिकारी के पास आता है और धन के बदले उन्हें सुरक्षित जंगल के बदले कहता है। लेकिन राजा अधिकारी ये कहते हुए मना कर देता है कि अभी जल्दी रात होने वाली है, इसीलिए वह उनकी और अपने सैनिकों की जान खतरे में नहीं डाल सकता, उन्हें जंगल पार करने के लिए सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। वह पत्नी पत्नी बहुत आग्रह करते रहे कि अभी रात होने में समय है, वह उसे जंगल पार करा दे, लेकिन राजा अधिकारी नहीं माने और उन्हें सलाह देता है कि वह रात भर यहीं रुके, उनके रहने और खाने की व्यवस्था वह खुद करवाएंगे। पति पत्नी को मजबूरन उस राजा अधिकारी की बात माननी पड़ती है। असल में उस राहगीर की पत्नी बहुत सुंदर थी, इसे देखकर राजा अधिकारी उस पर मोहित हो गया था। उस पर काम वासना हावी हो जाती है और जब व्यक्ति पर कामी वासना हावी हो जाती है तो उसे सही गलत को समझ नहीं आता, वह आसक्ति की आग में जलकर अंधा हो जाता है। और उसी राजा अधिकारी के साथ हुआ,
उसने दोनों पत्नी के रहने की और खाने की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन साथ ही वो उसकी पत्नी को पाने की तरकीबें सोचने लगा। उसे एक तरकीबा सोचा। उसके पास एक बड़ा सा हीरा था। उसने उस हीरे को रात में चुपके से उस आदमी के बैलगाड़ी के सामान में छुपा दिया और सुबह होते हुए हल्ला मचा दिया कि उसका कीमती हीरा किसी ने चोरी कर लिया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हर एक व्यक्ति के सामान की तलाशी लेने के बाद ही उसे आगे जाने दिया जाए। सैनिकों ने तलाशी ली तो योजना के अनुसार हीरा उस पति पत्नी की बैलगाड़ी के सामान में छुपा हुआ मिला। राजा अधिकारी उस व्यक्ति को सभी के सामने ये कहते हुए पीटने लगा कि मैंने तेरे रहने और खाने की व्यवस्था की और तूने मेरे ही साथ गद्दारी की। उसके साथ उसके सैनिक भी उस आदमी को पीटने लगे और पीटते पीटते उस व्यक्ति की वहीं पर मौत हो गई। बाद में राजा अधिकारी ने अपने रुद्र और दौलत के दम पर उस स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया, क्योंकि पिछले जन्म में महाकाल ने सिर्फ उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए उसे पति पर झूठा आरोप लगाकर बेवजह उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। इसीलिए पिछले जन्म में ही उसकी मृत्यु के पश्चात उसे नर्क प्राप्त होता है और नर्क में बहुतों को भगने के बाद उसे इंसानी जीवन मिलता है। लेकिन इस जीवन में उसके पिछले कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसके साथ भी वैसा ही होता है जैसा उसने उस स्त्री के पति के साथ किया था। महाकाल को उस स्त्री की सजा मिलती है जो उसने की भी नहीं थी। उसने इस जन्म में तो अच्छे कर्म किए थे, लेकिन उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से आज उसकी यह दुर्गति हुई है। बुद्ध ने आगे कहा, तो भिक्षुओ, अगर इस जन्म में किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा होता है तो ये उसके पुराने जन्मों के पापी होते हैं जिनका फल उसे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने आज के कर्मों को सुधारो ताकि तुम्हारे आने वाले जन्म भी सुधर जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।